देवभूमि उत्तराखंड से इस वक्त की काफी दुखद खबर सामने आ रही है, जहां छुट्टी पर घर आए भारतीय सेना के जवान की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। जी हां दोस्तों, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ हाईवे पर NTD के पास सड़क दुर्घटना के घायल SSB के जवान की मौत हो गई। उपचार के दौरान जवान ने दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम के बाद सब परिजनों को सौंप दिया जाएगा। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ हाईवे पर बृहस्पतिवार को NTD के पास स्कूटी दुर्घटना होकर 20 मीटर गहरी खाई में गिर गई। स्कूटी चालक SSB जवान प्रभु दयाल 38 वर्ष पुत्र फकीर राम निवासी चाक खितोली गंगोलीहाट पिथौरागढ़ ढाल निवासी धरनोला गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर और पुलिस की टीम ने घायल को 108 के माध्यम से अस्पताल में भर्ती कराया, जहां जवान ने अंतिम सांस ली। शुक्रवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक SSB का जवान 56वीं बटालियन में बिहार के पथना में तैनात था। कुछ समय पूर्व ही वह छुट्टी पर घर आए थे। सेराघाट में सैन्य सम्मान के साथ वीर बलिदानी का दाह संस्कार कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक SSB जवान प्रभु दयाल बृहस्पतिवार को पूजा में शामिल होने अपने ननिहाल जा रहे थे। पूजा में शामिल होकर वह देर शाम ननिहाल से अल्मोड़ा की ओर लौट रहे थे। घर से केवल 3 किलोमीटर की दूरी पर ही उनकी स्कूटी दुर्घटना का शिकार हो गई। प्रभु दयाल बीते 10 वर्षों से बच्चों की पढ़ाई के लिए धारा नोला के किराए के मकान में परिवार के साथ रहते हैं। बिहार में तैनात प्रभु 28 नवंबर को अवकाश पर घर लौटे थे। 25 दिसंबर को उन्हें कार्यस्थल पर लौटना था। बीते बृहस्पतिवार सुबह वह हंसी खुशी ननिहाल में आयोजित पूजा में शामिल होने के लिए गए थे। उसके बाद घर आते समय उनकी स्कूटी हादसे का शिकार हो गई, जिसमें उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। वहीं समूचे क्षेत्र में शोक की लहर छा गई। बाकी दोस्तों, मैं भगवान से यही दुआ करता हूं कि वीर जवान की आत्मा को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे और इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों को दुख सहन करने की क्षमता दे। उत्तराखंड के उच्च हिमालय क्षेत्रों में हो रही लगातार बरसात और बर्फबारी के बीच समूचे राज्य में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जबकि राज्य के तराई क्षेत्र में घने कोहरे को चलते जनजीवन पर भी काफी ज्यादा असर पड़ा है। उत्तराखंड के पर्वतीय जनपदों में लगातार रात को पारा गिरने से टेम्परेचर माइनस में देखने को मिल रहा है। उधर चमोली के ओली में हुई बर्फबारी के बाद ओली रोड पर बर्फ जमने व पाला जमने से ओली जाने वाले पर्यटकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। ओली पहुँचने के लिए एकमात्र सड़क मार्ग से ही पर्यटक ओली पहुँच सकते हैं। ओली रोपवे का संचालन इस वर्ष जनवरी माह से बंद हुआ पड़ा था। ऐसे में सड़क पर पाला जमने से पर्यटकों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में लगातार ठंड का मौसम बढ़ता जा रहा है। हालांकि उत्तराखंड में मौसम शुष्क बना है, लेकिन सुबह शाम लोगों को काफी ज्यादा ठंड हो रही है। उत्तराखंड के पर्वतीय जनपदों में सुबह और रात के समय काफी ज्यादा पारा गिर रहा है। वहीं मैदानी क्षेत्रों में कोहरा छाने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में गढ़वाल तक की टीम आपसे निवेदन करती है कि आप अपने और अपने परिवार का ध्यान जरूर रखें। बाकी दोस्तों, खबर को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। पहाड़ से लेकर मैदान तक, गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक, राज्य की तमाम छोटी बड़ी खबर पाने के लिए गढ़वाल तक को भी फॉलो कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी नई किसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।